हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं अरबी पटेल आज आपको वसा और प्रोटीन के विषय में बताऊंगा। और अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है जिसमें कार्बोहाइड्रेट था, तो उसको भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। और इस वीडियो के लास्ट में मैंने आपसे कुछ प्रश्न पूछे हैं वसा और प्रोटीन से संबंधित, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो शुरू करते हैं वसा। तो वसा जो है वो वसी अम्लों तथा ग्लिसराल से बने यौगिक हैं। वसा में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है। जो जंतु वसा होती है वो होती है अर्ध ठोस, तथा जो वनस्पति वसा होती है वो तरल रूप में पाई जाती है। और वसा से अत्यधिक मात्रा में हमें ऊर्जा भी प्राप्त होती है। एग्ज़ाम में ऐसे ही प्रश्न पूछ लिया जाता है कि निम्न में से सबसे अधिक ऊर्जा हमें किससे प्राप्त होती है। तो चार ऑप्शन दिए होंगे, वसा, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट। तो आपका ऑप्शन सही होगा वसा। तो 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है 37 किलो जूल अथवा 9.3 किलो कैलोरी। इतनी ऊर्जा प्राप्त होती है हमें वसा के ऑक्सीकरण से। वसा जो है वो जल में अभिलेय तथा एसीटोन, बेंजीन तथा क्लोरोफॉल में विलेय होता है। वसा के स्रोत हैं घी, मक्खन, बादाम, पनीर, अंडा, मांस, वनस्पति तेल आदि। और वसा के कार्य क्या हैं? वसा के कार्य हैं ऊर्जा उत्पादन में सहायता करता है, ये शरीर के ताप नियमन में सहायता करता है, कोशिका कला के निर्माण में ये सहायता करता है। तो ये इसके कार्य हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे वसा के प्रकार, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। देखिए, वसा के 2 प्रकार होते हैं, एक होती है असंतृप्त वसा और दूसरी होती है संतृप्त वसा। अब हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो असंतृप्त वसा, ये जो वसा है वो कमरे के ताप पर तरल होती है। कमरे का ताप होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कमरे के ताप पर ये वसा तरल होती है और ये वनस्पति वसा होती है। और उदाहरण में है जैसे सूरजमुखी का तेल, सरसों का तेल और जैतून का तेल। और मछली में भी जो वसा होती है वो असंतृप्त वसा कहलाती है। तो हम कह सकते हैं असंतृप्त वसा वह वसा है जो कमरे के ताप पर तरल रूप में पाई जाती है, और कमरे का ताप होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और यह वनस्पतिक वसा है। एग्जाम्पल के रूप में सूरजमुखी का तेल, सरसों और जैतून का तेल और मछली में पाई जाने वाली वसा असंतृप्त वसा है। अगली हमारी संतृप्त वसा। तो ये जो वसा होती है वो कमरे के ताप पर ठोस होती है। कमरे का ताप मैंने आपको बताया है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और कमरे के ताप पर ठोस होती है, और ये जंतु वसा होती है। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि जो वनस्पतिक वसा है वो तरल रूप में पाई जाती है और जो जंतु वसा है वो अर्ध ठोस रूप में पाई जाती है। तो एग्जाम्पल है घी, मक्खन। घी मक्खन है, नारियल का तेल और ताड़ का तेल। देखिए, आप सोच रहे होंगे कि जंतु वसा है तो इसमें नारियल का तेल और ताड़ का तेल क्यों आ गया? ये अपवाद है, इसीलिए इसमें नारियल का तेल और ताड़ का तेल भी आता है संतृप्त वसा में। एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि नारियल का तेल किस प्रकार की वसा है, तो आप संतृप्त वसा ही बताइएगा। तो हमारी वसा खत्म होती है। अब पढ़ते हैं प्रोटीन के विषय में। देखिए, जो प्रोटीन शब्द है वो दिया था जे बर्जीलियस ने, और ये जटिल कार्बनिक यौगिक है। इसमें नाइट्रोजन भी पाया जाता है, और प्रोटीन जो होता है वो 20 एमिनो एसिड का समूह होता है। प्रोटीन जो है वो 20 एमिनो एसिड का समूह होता है, और 1 ग्राम प्रोटीन के ऑक्सीकरण से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी। और हमारे शरीर को जो है वो 20 प्रोटीन की आवश्यकता होती है, 20 प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जिसमें से 10 प्रोटीन हमारा शरीर खुद संश्लेषित कर लेता है और 10 प्रोटीन हमें भोजन से प्राप्त होते हैं। तो ये था हमारा प्रोटीन। आप समझ गए होंगे कि प्रोटीन क्या है। प्रोटीन जो है वो 20 एमिनो एसिड का समूह है। एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है कि एमिनो एसिड से बना हुआ यौगिक कौन सा है। एग्जाम्पल दिया होगा वसा, प्रोटीन, विटामिन। तो आपका ऑप्शन होना चाहिए प्रोटीन। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रोटीन के प्रकार।
तो प्रोटीन के तीन प्रकार होते हैं, सरल प्रोटीन, संयुग्मी प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन। तो देखिए, सरल प्रोटीन किसे कहते हैं जानते हैं? सरल प्रोटीन वह प्रोटीन है जो एमिनो एसिड से बनी होती है, एमिनो अम्ल से बनी होती है, वह होती है हमारी सरल प्रोटीन। एग्जाम्पल है एल्ब्यूमिन्स, ग्लोबुलिन्स और हिस्टोन। तो आप समझ गए होंगे सरल प्रोटीन क्या है, संयुग्मी प्रोटीन क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो वे प्रोटीन जिनके अणुओं में समूह जुड़े होते हैं, वे होती हैं संयुग्मी प्रोटीन। समूह मतलब जैसे ओ एस समूह, सी डबल ओ एस समूह, ये समूह जुड़े होते हैं। जिन प्रोटीन के अणुओं में समूह जुड़े होते हैं, वे होती हैं आपकी संयुग्मी प्रोटीन, जैसे क्रोमो प्रोटीन, ग्लाइको प्रोटीन आदि। व्युत्पन्न प्रोटीन वो प्रोटीन होती हैं जो प्राकृति में पाई जाने वाली प्रोटीन के विघटन के बाद प्राप्त होती हैं। जलीय अपघटन मतलब जो व्युत्पन्न प्रोटीन है वो प्रकृति में पाई जाने वाली प्रोटीन के जलीय अपघटन से प्राप्त होती है, वो होती है हमारी व्युत्पन्न प्रोटीन, जैसे पेप्टोन, पेप्टाइड और प्रोटियंस। तो ये होती है हमारी प्रोटीन के प्रकार। अब जानते हैं प्रोटीन के कार्य। तो प्रोटीन के निम्न कार्य हैं, शरीर की मरम्मत करने में सहायक होते हैं, शारीरिक वृद्धि में सहायक होते हैं। एक एक प्रश्न पूछा जाता है कि जो एथलीट्स होते हैं वो अपनी मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए किसकी सहायता लेते हैं? तो आपका जवाब होना चाहिए प्रोटीन। जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो भी प्रोटीन का ही प्रयोग करते हैं। तो शरीर की मरम्मत करने में सहायक है, शारीरिक वृद्धि में प्रोटीन सहायक होती है, ये संवहन में सहायक है, जैव उत्प्रेरक एवं जैव नियंत्रक के रूप में भी प्रोटीन कार्य करता है। अगला है कोशिकाओं, जीव द्रव्यों तथा ऊतकों के निर्माण में भी सहायक है। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है एग्जाम की दृष्टि से इनके कार्य, लेकिन ये पूछा जाता है जो मैंने आपको बताया एथलीट के संबंध में, कि एथलीट जो है वो मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। स्रोत देख लेते हैं। जो स्रोत हैं वो है दूध, मांस, मछली, अंडा, यकृत, चना, दालें, सोयाबीन। और एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे अधिक प्रोटीन किससे प्राप्त होती है? तो आपका जवाब होना चाहिए सोयाबीन से। 42% प्रोटीन सबसे अधिक मात्रा में प्राप्त होती है सोयाबीन से। अगला पॉइंट है प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग कौन से हैं। तो आपको एक ऑप्शन दिया होगा, तो आप एक इसमें से टिक कर सकते हैं। तो प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग है, पहला रोग है क्वासी योरकर रोग, दूसरा है मेरास्मस रोग। तो देखिए इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, क्वासी योरकर रोग में क्या होता है और मेरास्मस रोग में क्या होता है। क्वासी योरकर रोग में जो है बच्चों के हाथ पैर दुबले हो जाते हैं और पेट बाहर निकल आता है, और मेरास्मस रोग में ये होता है कि बच्चों के मांसपेशियाँ ढीली पड़ जाती हैं। तो ये दो रोग थे प्रोटीन की कमी से होने वाले। अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो बताइएगा कमेंट करके कि आपने कितने प्रश्न सही किए। तो अब हम लोग कुछ प्रश्न करेंगे और आप बताइएगा कि आपने 8 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सबसे अधिक प्रोटीन किसमें होती है? तो अभी मैंने आपको बताया है, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। तो इसका ऑप्शन सही है बी, सोयाबीन में सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। अगला प्रश्न है, अत्यधिक ऊर्जा प्रदान करने वाला कौन होता है? आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका ऑप्शन सही है ए, वसा। अगला प्रश्न है, एथलीट की मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए क्या आवश्यक है? इसका ऑप्शन सही है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, नारियल का तेल किस प्रकार की वसा है? तो आपको पता होगा, मैंने अभी ये सभी प्रश्न करवाए हुए हैं आपको, तो इसका ऑप्शन सही है ऑप्शन ए, संतृप्त वसा। अगला प्रश्न है, एमिनो एसिड से बनने वाला यौगिक कौन है? तो आपने शायद कर ही लिया होगा अब तक।
इसका ऑप्शन सही है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, प्रोटीन शब्द किसने दिया, बताना है आपको। ये दिया है बर्जीलियस ने। अगला प्रश्न है, मेरास्मस रोग किसकी कमी से होता है, तो अभी तो मैंने आपको बताया ये होता है प्रोटीन की कमी से। अगला प्रश्न है, जंतु वसा है संतृप्त है असंतृप्त है या दोनों है या इनमें से कोई नहीं। तो जंतु वसा जो होती है वो संतृप्त वसा होती है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, हमारा वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक करना कमेंट करना मत भूलिएगा कि आपने कितने प्रश्न सही किए और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद मित्रों।